थोड़ा तो। ऐसे निकले थे तब तक आज से डोरी के साथ ज्वाइन इधर पत्थर लेने के चक्कर में ना ये लोग हमें सबसे बड़े जो चीजें तो बहुत टफ है कि मिलेगी, पहले तो दुकानें ही खुली नहीं है। बाकी डोली के साथ ना मेरा फर्स्ट टाइम था, तो चलिए भाई एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजाने की, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी अपने मॉर्निंग की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है, बाकी यहाँ से टेम्पल का नजारा दिखाता हूँ भाई। पहले तो ऋतिक लोग भी पहुंच चुके हैं। वैसे मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि ऋतिक ने धोखा दे दिया, पर धोखा नहीं आ गया। हम आज सुबह नहीं, हम आए ना रात को 11 बजे घर से रास्ते लग गए थे और अभी हम 4 बजे पहुंचे। काम वाले कोई आ रहे थे ना तो उस वजह से, बाकी अब साथ करेंगे ट्रैक। इसके बाद जो ट्रैक होगा वो साथ ही में होगा और बाकी लोग भी टेम्पल पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए भाई। सुबह मतलब लगभग 5:30 बजे के करीब मैं भी उठ गया था क्योंकि मुझे भी ब्लॉग एडिट करना था। एडिट तो कर रखा था, अपलोड भी कर रखा था, पर थंबनेल टाइटल बहुत सारी चीजें होती हैं वो डालनी थी। तो लो भाई प्रसाद भी पहुँच चुका है। जय गौरा माई की, जय हो। बहुत बुरे हाल है भाई। बाकी इस जगह पे है ग्रामकुंड और जो टेंपल है वो जस्ट यहीं पीछे है। बाकी हम लोग भी निकलते हैं भाई। बाकी इस टाइम ना ये वाला पोर्शन इन्होंने काफी सही कह रखा है कि जो उधर से आएंगे ना वो नीचे साइड से आएंगे और जो इधर से जाएंगे वो इस साइड से जाएंगे। बाकी ये वाला एरिया है इनका प्रीपेड काउंटर और यहीं से ना घोड़े मिल जाते हैं भाई। डोली से आगे आ चुके हैं और मतलब जितने जो श्रद्धालु हैं उनके बीच से निकलना ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्या रहते भाई, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब एक पांव को आगे रख रहे तो दूसरे जगह से दूसरा कोई दूसरा रख दे रहा है। बाकी डोली से आगे निकल चुके हैं। बड़ा जी नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। बाकी अभी हम लोग भैरवनाथ पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और लगभग 2-3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो कंप्लीट कर दी है हम लोगों ने। तो भाई फाइनली बाबा की डोली भैरवनाथ से निकल चुकी है और हम लोग जस्ट सामने पे रुके हुए थे शूट करने के लिए। बाकी हम लोग भी भाई थोड़ा बहुत शूट करते हैं। ये लोग ना इसको कैरी करके ना केदारनाथ तक ले जाना है, भले इस पे घास है पर पीठ पे बोझा ले जाना ना बहुत टफ होता है। हम लोग जंगल छट्टी पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और जो केदारनाथ रूट का ना पहला पड़ाव है। बाकी अभी हम लोग ना आगे आगे निकल रहे हैं। अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और लगभग भीमबली ना जस्ट नीचे पे है, तो कल के मुकाबले आज मतलब भंडारे वगैरह कहीं नहीं होंगे, जो होगा सीधा केदारनाथ में होगा। बाकी रास्ते में आप लोगों को छोटी छोटी दुकानें मिलती रहेगी। बाकी अभी हम लोग भीमबली में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। भीमबली पे एक प्रीपेड काउंटर है पर यहाँ पे भी ना आज
वैसे भंडारा वगैरह है। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे भंडारा नहीं होगा, पर यहाँ पे भी ना भंडारा है। तो पहले ना भंडारे का लुप्त उठाते हैं, फिर आगे के लिए निकलते हैं जहाँ पे मतलब आज का विश्राम है। बाकी अंशु भाई भी साथ साथ में आ ही रहे हैं और बाकी हमारे आर्मी जवान साथ में चल रहे हैं। निकले थे तब तक अकी भाई आज से डोली के साथ ज्वाइन हो गए। बाकी इससे पहले अकी भाई लोग यहाँ पे आए थे तो कैसा है अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। हम तो इनसे नंगे पांव भी आ रखे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है भाई, पैरों में कुछ नहीं है। और इसके ऊपर जो स्नो है, स्नो में तो ऐसे ही चल रहा है, मजा आएगा वहाँ पे। अभी मजा आ रहा है तो वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे मजा आएगा। बाकी अभी हम लोग रामबाड़ा ब्रिज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब एक अफिल रह गया, जो अफिल हम लोगों को ना कंप्लीट करना, ये सामने वाले अफिल रह गए, ये कंप्लीट कर दिया था समझ लो केदारनाथ पहुंच गए भाई। केदारनाथ रास्ते का ना सबसे टफेस्ट चढ़ाई यही है, मतलब रामबाड़ा से जो टीएफ है, थारू कैंप है, वहाँ तक ना सबसे टफ चढ़ाई है। उसके बाद तो इजी फ्लैट एरिया है, मतलब हल्का हल्का है, वो हो जाता है। बाकी केदारनाथ के रास्ते पे आपको ढेर सारे शॉर्टकट मिलते रहेंगे, बाकी आप लोग अगर ज्यादा मतलब थके नहीं हो तो शॉर्टकट जा सकते हो भाई। ग्लेशियर वगैरह दिखने स्टार्ट हो गए हैं और ये देखिए भाई इधर के साइड है और पूरा ऊपर से बना हुआ है और नीचे तक। फिलहाल हम लोग अभी बड़ी लिंचोली में पहुंच गए हैं और लगभग डोली जो है ना पीछे से आ ही रही है। अमित भाई पता नहीं कितनी सुबह निकल गए, तब निकले नहीं, 8:30 बजे निकले थे, पर भैया बहुत इस बार का ट्रैक में तो बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि लग ही नहीं रहा है थकान उतनी लग नहीं रही है। और सबसे बढ़िया बात है शुरू ट्रैक में ना उतनी धूल मिट्टी नहीं है, बाद में तो आ जाती है और धूप भी नहीं है, तो बिना धूप के अच्छा लग रहा है। पहली बार भैया भी आए हैं, चल चल ठीक है, बढ़िया मजा आ रही है। और घोड़ों के लिए ना मतलब सारी जगह पे गर्म पानी किया गया है और गीजर वगैरह लगे हुए हैं, तो मतलब घोड़ों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। छानी कैम में पहुंच गए हैं। वैसे मुझे भी पता था पर मैं रिद्धि भाई को ट्राई कर रहा था, रिद्धि भाई को पता है कि नहीं है, लोकल है तो पता है नहीं है। बाकी अभी यहाँ से ना स्नोफॉल ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और जो ग्लेशियर वगैरह है वो भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और बाकी सबसे मेन बात पता क्या है, जो स्नोफॉल है ना हल्का फुल्का स्नोफॉल शुरू हो गया है। हाँ, गांव में ऐसा होता है कि एक बार ही बारिश होती है, सब लोगों को पता होगा, फिर स्नोफॉल होती है। यहाँ उल्टा पर बारिश वरिश नहीं होती, यहाँ पे सीधे स्नोफॉल होता है, 2 फीट 4 फीट 10 फीट। हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा तो हो ही गया, आधा घंटे से अबव हो गया, तब से हम लोग ना यहाँ पे डोली का वेट कर रहे हैं और डोली वाले पता नहीं कहाँ पे काजू किशमिस खा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे ना ठंड में ना 360 भाई। जब डोली नीचे से आ रही थी ना तो बाबा का स्वागत ना फूलों से किया जा रहा था और जो फूल मतलब बरस रहे थे वो बरस रहे थे हेलीकॉप्टर से, काफ़ी अच्छा लगा। और ये मोमेंट देख के ना सच में काफ़ी मज़ा आया। बाकी ये देखो भाई डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है और दोनों साइड से ना बर्फ के जो पहाड़ है ना कसम से, इसको कटिंग करके ना ये रास्ता बनाया गया है।
ये देखो भाई पैरों की कंडीशन क्या हो रही है। हम लोग बेस कैंप में पहुंच गए हैं और अब यहां से ना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बाकी जैसे तैसे करके ना पहुंच गए। बाकी डोली भी ना पीछे से आ ही रही है, तो थोड़ा डोली का वेट करते हैं फिर साथ में चलते हैं। 15 पॉइंट पे पहुंच गए हैं और रुद्रा पॉइंट ये रहा आपके सामने पे। वैसे ही बाबा की डोली ना जस्ट पीछे से आ ही रही है और इधर भी ना हल्की फुल्की स्नोफॉल स्नो वगैरह है। बाकी इधर चारों ओर देखिए भाई क्या नज़ारे हैं, धन्यवाद। और कल से ना जहाँ जहाँ पे मुझे मिले हैं वहाँ वहाँ पे ना ये चीज़ें मुझे मिली हैं, थैंक यू सो मच। डोलीवर थे, डोली वगैरह लेके आए थे, उनका लास्ट में डोली को मतलब केदारनाथ तक पहुंचाने की जो खुशी है ना वो अलग ही लेवल की है। तो कुछ ऐसा सीन है बाकी। ये देखो भाई ये वाला पूरा पोर्शन है इसमें वैसे पानी रहता है और इस टाइम इसमें ना पूरा फ्रीज हो रखा है पूरा सा। बाकी यहाँ पे है भाई रेतस कुंड, तो भाई जितनी भी दुकानें हैं ऑलमोस्ट अभी तैयार हो रही हैं और पूरी दुकानें ना ऐसे ही पैक हैं, तो इस वजह से अभी मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना सामान लाए भी नहीं और जितनी भी दुकानें हैं वो बर्फ़ की वजह से ना टूटी हैं। तो ये कुछ सीन है। बाकी ये रहा भाई बाबा का दरबार। डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं और काफ़ी खुशी भी हो रही है और साथ साथ में ना छोटी छोटी हल्की हल्की फुल्की ना स्नोफॉल हो रही है। तो अमित भाई कैसा रहा? दोस्तों यार ऐसा लग रहा है स्वर्ग है और स्वर्ग में ही है हम, ये लगा लो धन्यवाद। थकाने वाला था रास्ता लेकिन जैसे आप डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचते हो ना उसके बाद जो शांति मिलती है ना वो अलग ही होती है। मतलब जय बाबा केदार की, फाइनली आप पहुंच गए भाई बहुत मेहनत के बाद। पाँव में अभी तक दर्द हो रहा है बट फाइनली एक चीज़ की हमें कमी करी यार, हम उखीमठ से गौरीकुंड तक आए हमें भंडारे मिलते रहे, वो चीज हमने बहुत मिस करी क्योंकि उसके जो भंडारे मिलते ना एनर्जी मिलती रहती है, वो चीज बहुत मिस हो गई। मिली जहाँ पे हमें ना थोड़ा बहुत पराठे वगैरह मिले और चाय है मैगी है, अदरवाइज और चीजें तो बहुत टफ है कि मिलेगी। पहले तो दुकानें ही खुली नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। बाकी पहले भाई पराठा खा लेते हैं, कितने का है क्या है वो सारी चीजें छोड़ो, पहले मिल तो जाए, मिल तो गया खैर। बाकी पहले खा लेते हैं और फिर बातें करते हैं आपसे भाई। फाइनली हम लोग अपने टेंट में पहुंच गए हैं और यहाँ की कंडीशन बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इसीलिए जो यात्रा है ना वो लगभग 5 तारीख के लिए ना बिल्कुल स्टॉप कर रखी है। बाकी मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी से किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।